फ्रेंड वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तरफ रु बहुत गुडी पोस्ट रो वैकेंसी बाहरीला तार एबे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सारी पोस्ट को केमिते आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपण कहिबी ता पूर्व जदि आपण ए चैनल नुवा अछंती ए चैनल को सब्सक्राइब करनिउंदु आ बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै चलंतु ए पोस्ट को आपण केमिते अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड ये जो देखुंती e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशा रा ऑफिशियल रहिछि वीडियो डिस्क्रिप्शन रा लिंक अछि डायरेक्ट क्लिक करिबे आपण आसे वेबसाइट पहुंच पारिबे नचेत आपण गूगल रे सर्च करि पारिबे e-niyukti.in जो वेबसाइट आपण प्रथम आसिबो से वेबसाइट क्लिक करि आपण आसे पोस्ट रे पहुंच पारे। एठे आपण शो करछि बीएआरसी रिक्वायरमेंट 2023 रो नोटिफिकेशन शो करछि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रा नोटिफिकेशन आपण शो करछि ए सब पोस्ट को अप्लाई करबे कोन कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिछि डिटेल्स आपण दे चेक आउट करी पारे। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसी रही 4334 पोस्ट ऑफ वैकेंसी रही ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट 24/2023 स्टार्ट लास्ट डेट रही 22/5/2023 जाए रही। आप पोस्ट जो वैकेंसी रही टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन स्टिपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आप वैकेंसी रही एप्लीकेशन फी भी आप चेकआउट करेंगे। एज लिमिट आपत दरकार को पोस्टर के वैकेंसी रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सब दरकार से पोस्ट को अप्लाई करने डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। आप एग्जाम पैटर्न आप कमी रही डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। ये अपन रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आर एपुर आप क्लिक कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर भल भाव रीड आउट करदे जदि आप पोस्ट को अप्लाई करने इलिजिबल होते अप्लाई लिंक आप शो कर क्लिक क्लिक करेंगे। क्लिक कला पेजट आपड़ ओपन होने शो कर भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप शो ऑनलाइन अप्लाई टाइम आप किसी टेक्निकल प्रॉब्लम आप फेस करते हेल्प डेस्क नंबर रही नंबर आप कंटाक्ट करेंगे 10:00 to 6:30 भेजे आप कंटाक्ट करेंगे मंडे सैटरडे आप कंटाक्ट करेंगे। फास्ट आप पोस्ट को अप्लाई करा गले फास्ट आपको रजिस्टर करा पड़ो वन टाइम रजिस्टर आप शो कर आर एपुर आप क्लिक करेंगे। कला वन टाइम रजिस्टर पेज आप खोली प्राइमरी डिटेल्स आपड़े भरपे एप्लीकेंट नेम आज पर इन एसएससी मार्कशीट जहाँ आप 10th मार्कशीट के आप सर्टिफिकेट जहाँ आप फुल नेम रही स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे फुल नेम आप एंटर करेंगे। फास्ट नेम जहाँ आप फास्ट नेम रही फास्ट नेम देते मिडिल नेम जब आप मिडिल नेम ब्लांक छाड़े सरनेम जहाँ आप लास्ट नेम रही सरनेम आप एंटर करेंगे। सेमती आप फादर्स नेम देते मदर्स नेम देते डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट मंथ ईयर आप कैलेंडर चूज करेंगे। नेशनलिटी आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे जेंडर आप कौन रही मेल फीमेल जहाँ आप जेंडर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। मेरिटल स्टेटस आप कौन रही सिंगल ना मैरिड आप चूज करेंगे। कैटेगरी आप कौन रही अनरिजर्व थे अनरिजर्व सिलेक्ट करेंगे। अनरिजर्व सिलेक्ट करेंगे डू यू बिलंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलंग्स करते आप येस नो आपड़ी येस नो करेंगे। जब आप येस क्लिक करते ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप बाहर करते ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप नंबर देते सर्टिफिकेट आप के इश्यू होता है इश्यू डेट आप मेंशन करेंगे। सेमती आप एस टी कैटेगरी होते एस टी कैटेगरी चूज करेंगे। नेम ऑफ कास्ट आप कौन रही है आप एंटर करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ये कास्ट सर्टिफिकेट जो आप थोड़ा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप एंटर करेंगे। इश्यू डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आप केवे इश्यू होता है आप इश्यू डेट मेंशन करेंगे। सीरियल नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट पर सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल लिस्ट हिसाब से आप सीरियल नंबर कौन रही है आप कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन थोड़ा आपड़ी आप सीरियल नंबर आप मेंशन करेंगे। सेमती आप अच्छी आप एससी थे एससी आप भरपे ओबीसी होते ओबीसी नॉन क्राइम लेयर होते ओबीसी आप सिलेक्ट करेंगे। सेमती आप नेम ऑफ कास्ट भरपे सर्टिफिकेट नंबर भरपे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इश्यू आप के आप सीरियल नंबर कास्ट पर सेंट्रल लिस्ट आप सीरियल नंबर आप एंटर करेंगे। आप हिसाब से आप कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन आप कौन रही हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जहाँ आप रिलीजन आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप स्टेट आप ओडिशा आप सिलेक्ट करेंगे। डिटेल्स फॉर कम्युनिकेशन ये आप कम्युनिकेशन डिटेल्स आप भरपे परमानेंट एड्रेस आप भरपे एड्रेस लाइन वन आप आर्ट आप एंटर करेंगे पोस्ट आप एंटर करेंगे। आप सिटी विलेज आप जहाँ रही सिटी नेम कि विलेज नेम आप एंटर करेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट रही डिस्ट्रिक्ट आप एंटर करेंगे। स्टेट आप कौन रही स्टेट आप ओडिशा आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। पिनकोड जहाँ आप पिनकोड रही पिनकोड आप एंटर करेंगे। ये आप शो कर सेम आज परमानेंट एड्रेस आप जो परमानेंट एड्रेस आप भरने जब आप करेस्पोंडेंस एड्रेस सेम अच्छी ये आप टिक करेंगे दुटाक एड्रेस आप सेम हो अलग अलग अच्छे टिक करेंगे अलग अलग आप भरेंगे। मोबाइल नंबर ये आप मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। डू नॉट प्रीफिक्स 0 or +91 बिफोर द मोबाइल नंबर आप जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे आप किसी +91 लगे कि 0 लगे डायरेक्ट आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। जो मोबाइल नंबर आप एंटर कले मोबाइल नंबर आउ थे आप कनफर्म करेंगे। वैलिड ईमेल आईडी देते ईमेल आईडी आउ थे आप कनफर्म करेंगे।
अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दौरान दे पारे ब्लांक छाड़ पारे जब आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दौरान अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आउ थे आप कनफर्म करेंगे आधार कार्ड जहाँ आप आधार कार्ड नंबर रही आधार कार्ड नंबर देते आधार कार्ड नंबर आउ थे आप कनफर्म करेंगे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएशन आप अकाउंट को लॉगिन करने लॉगिन आईडी आप क्रिएट करेंगे आपड़ी आप लॉगिन आप क्रिएट करेंगे एमती आप लॉगिन क्रिएट करेंगे क्रिएट करके चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करेंगे क्लिक कला आप लॉगिन आईडी अवेलेबल प्रोसीड फर्दर आप लॉगिन आईडी आप अवेलेबल अच्छी आप नेम अनुसार आप लॉगिन आईडी आप चूज करेंगे आप चेक अवेलेबल क्लिक करेंगे ग्रीन शो करेंगे रेड शो कर आउ थे आप लॉगिन आईडी आउ थे आप रिनेम करेंगे सेमती आप जो लॉगिन आईडी आप देते हैं आप चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करके आप लॉगिन आईडी आप अवेलेबल शो कर लॉगिन आईडी आउ थे आपथे वेरीफाई करेंगे तापर आप लॉगिन पासवर्ड आप सेट करेंगे ये अकाउंट को लॉगिन करेंगे आप पासवर्ड सेट करेंगे पासवर्ड जो होता दरकार आपंकर पासवर्ड आप 8 कैरेक्टर रु 15 कैरेक्टर भितर आप पासवर्ड लेंथ होता दरकार पासवर्ड में आपंकर गोटे आप अल्फाबेट थोड़ा दरकार गोटे न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ा दरकार स्पेशल कैरेक्टर है आप हास् परसेंटेज आप थोड़ा दरकार ये पासवर्ड आप सेट करेंगे जो पासवर्ड आप सेट कले से पासवर्ड आउ थे आप कनफर्म करेंगे कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे आप ओटीआर रिव्यू पर क्लिक करेंगे ओटीआर रिव्यू पर क्लिक कला वन टाइम रजिस्ट्रेशन कन्फर्म आप पेज आप आसो जहाँ जहाँ आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज आप जहाँ जहाँ भरीदे आप सब शो करदेव जदि आप किसी भूलभाल करडिट पर क्लिक करेंडिट करेंगे जदि आप सब ठीक ठाक भर आई कनफर्म दैट द इमेल आई डी आप बक्स आप टिक करेंगे आप ओटीआर फाइनाल सबमिशन आप क्लिक करेंगे ओटीआर फाइनाल सबमिशन क्लिक कला डीओआर आप शो कर यू हाव कम्प्लीटेड द वन टाइम रजिस्ट्रेशन अफ द बीएआरसी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस काइंडली लॉगिन विद द रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करते लॉगिन पासवर्ड आप लॉगिन करेंगे क्लिक हियर टू ये आप क्लिक टू लॉगिन आप क्लिक करेंगे क्लिक टू लॉगिन क्लिक कला यूजर लॉगिन पेज आप ओपन हो रजिस्टर लॉगिन आईडी जो लॉगिन आईडी आप क्रिएट करते से लॉगिन आईडी आप एंटर करेंगे पासवर्ड जो आप क्रिएट करते पासवर्ड आप एंटर करेंगे कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे लॉगिन पर क्लिक करके आप अकाउंट लॉगिन करने लॉगिन पर क्लिक कला वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आप ओटीपी आप इमेल और एसएमएस आप मोबाइल नंबर आप जाइए से ओटीपी आप देखिए ओटीपी आप एंटर करेंगे आप वेरीफाई क्लिक करेंगे वेरीफाई आप क्लिक कला आप्लिकेसन आप ओपन होफलोड फटोग्राफ आउट सिग्नेचर ये आप फटोग्राफ आउट सिग्नेचर आपलोड करेंगे कमी आप फटोग्राफ सब रहा दर आप क्लिक हियर टू व्यू फटो इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर फटोग्राफ कमी अपलोड सब करेंगे ये आप सिंपल फटोग्राफ इज एक्सेप्टेबल क्वालिटी आप रही एमती आप फटोग्राफ होता दरकार एमती जो आप फटोग्राफ जब आप अपलोड करते आप फटोग्राफ्ट आप रिजेक्ट हो आप ग्रीन में देखो तीन टा फोटो एमती आप फटोग्राफ आप रहा दरकार सांपल फोटो आप रही फटोग्राफ आप अपलोड करेंगे चूज फाइल पर क्लिक करके आप फटोग्राफ अपलोड करेंगे फटोग्राफर साइज रहा दरकार 20 केबी रु 50 केबी आप फटोग्राफर साइज रहा दरकार चूज फाइल पर क्लिक करके आप फटोग्राफ आप अपलोड करेंगे सिग्नेचर से अपलोड करेंगे सिग्नेचर साइज रहा दरकार 10 केबी रु 20 केबी भितर आप सिग्नेचर साइज रहा दरकार जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट रही आप सिग्नेचर आप सपोर्ट करेंगे अपलोड सिग्नेचर क्लिक करके आप सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे आप डिक्लेरेशन पॉइंट आई हियर बाय डिक्लेयर आई बॉक्स आप टिक करेंगे कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे आप नेक्स्ट उपरे क्लिक करेंगे नेक्स्ट उपरे क्लिक कला पोस्ट डिटेल्स आप शो करेंगे आप कौ पोस्ट में आप अप्लाई करा चाहते से पोस्टर अप्लाई उपरे आप क्लिक करेंगे पोस्ट कोड आप शो कर पोस्ट कैटेगरी पोस्ट नेम आप शो कर हिसाब से आप जो पोस्ट में अप्लाई करा चाहते से पोस्ट अप्लाई उपरे आप क्लिक करेंगे ये आप मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करेंगे जब आप सेम क्वालिफिकेशन रही आप मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करा चाहते गोटे पोस्ट आप अप्लाई करेंगे तार पेमेंट कर सारे पेमेंट करके आप प्रिंट करेंगे प्रिंट करेंगे पुणी आस पोस्ट पेज में पहुंची आप गोटे पोस्ट में अप्लाई करेंगे से पोस्ट में आप अलग पेमेंट करा पड़ो आप जो पोस्ट में आप सुटेबल अच्छे से पोस्ट अप्लाई उपर आप क्लिक करेंगे अप्लाई उपर क्लिक कला पोस्ट एंड पर्सनल डिटेल्स शो करेंगे कौ पोस्ट में आप अप्लाई कर पोस्ट कैटेगरी आप शो कर आप पोस्ट कोड पोस्ट अप्लाई आप शो कर आप डिसिप्लिन कौन डिसिप्लिन आप शो कर डेट अफ बर्थ आप शो कर जेंडर कैटेगरी मेरिट आप शो कर आर यू फ्रॉम पीडब्ल्यू बी डी आप पर्सन विद बेचमेंट डिसेबिलिटी आप ये नो आप हिसाब से करेंगे जब आप ये क्लिक करते
ताले आपन नेचर ऑफ फिजिकल डिजेबिलिटी आपन कोथरे अछन्थि आपन से सिलेक्ट करिवे। पर्सनल डिजेबिलिटी आपन केते रहैछि 40% रु एबव हेतबा दरकार। आपन केते पर्सन अछि आपन मेंशन करिवे। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट एरर नंबर आपन आंसर करिवे। डेट इशू केबे आपन पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू हेतला इशू डेट आपन मेंशन करिवे। जदि आपन पीडब्ल्यू कार्ड आवर हेनथबे नो उपर आपन क्लिक करिवे। आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड आपन एम्प्लॉयड थेबे प्रेजेंटली आपन एम्प्लॉयड थेबे आपन ये सब क्लिक करिवे। ये सब क्लिक करले आपन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपन कोन रहिछि ता डिटेल्स आपन एटसब आपन भरिबे। यदि आपन प्रेजेंटली एम्प्लॉय न थेबे नो उपर आपन क्लिक करिवे। एटा आपन फोटो आ सिग्नेचर आपन जो अपलोड करतेबे फोटो सिग्नेचर आपन शो करदेबो। एजुकेशनल डिटेल्स आपन भरिबे। कैंडिडेट हु हैव देयर मार्क इन सीजीपीए शुड कन्वर्ट देम इनटू पर्सनल एंड एंटर इट। जो मानकर सीजीपीए रे आपनकर रहिछि सेमाने ताकु पर्सनल रे कन्वर्ट करी आपन मार्क्स सब आपन एंटर करिवे। फर्स्ट आपनकर जहा जहा आपनकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहिछि से क्वालिफिकेशन आपन स्टार मार्क आपन थबो आपन हिसाब से सिलेक्ट करिवे। आपन जो पोस्ट सिलेक्ट करथिन से पोस्ट अनुसार आपन स्टार मार्क रेड रा स्टार मार्क आपन शो करतो से क्वालिफिकेशन आपन मस्ट आपन भरियाउ पढ़िबो। आपन सब भरिबे फर्स्ट आपन 10th भरिबे एसएससी भरिबे तापर आपन प्लस 2 भरिबे। जदि आपन डिप्लोमा दे स्टार मार्क अछि डिप्लोमा आपन ब्रांच आपन सिलेक्ट करिबे। आपन पोस्ट अनुसार आपन शो करतो आपन डिप्लोमा ब्रांच सिलेक्ट करिबे। जदि आपन आईटीआई में अप्लाई करछन्ति आईटीआई पोस्ट में एटी आपन आईटीआई शो करतो। जदि आपन बीटेक में अप्लाई करथिन आपन डिग्री आपन बीटेक आपन शो करतो। आपन हिसाब आपन सब भरिबे। फर्स्ट आपन 10th रो आपन स्टार्ट करिबे। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज बोर्ड आपन नेम ऑफ स्कूल दे परिबे नले कॉलेज दे परिबे न बोर्ड देबे जहा आपन अछि आपन हिसाब आपन भरिबे। बीएससी ओडिसा के आपन आउजा बोर्ड थला आपन हिसाब आपन एंटर करिबे। मैक्सिमम मार्क आपन केत थला 10th रे आपन मैक्सिमम मार्क आपन केत थला केते मार्क आपन ऑब्टेन करछन सिक्योर केते मार्क पडछनती ऑब्टेन मार्क आपन केते अछि आपन रे मेंशन करिबे। परसेंटेज आपन ऑटोमेटिक काउंट हे आसी जिवो। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपन अठी किछ रहुने मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग को ईयर आपन पास आउट हेले अठी आपन मंथ आ ईयर आपन अठी मंथ आ ईयर आपन अठी चूज करिबे। जो ईयर आपन पास आउट हेले मंथ ईयर आपन अठी सिलेक्ट करिबे। 12th मेंटर रहि स्टार मार्क अछि 12th रे आपन डिटेल्स भरिबे। आपन अठी आपन कॉलेज नेम कि आपन बोर्ड नेम छै से ओडिसा कि आपन आउ जा थला आपन से भरिबे। मैक्सिमम आपन केत थला केते मार्क आपन सिक्योर करछनी परसेंट आपन ऑटोमेटिक काउंट हे आसीबो। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग केबे आपन पास आउट हेले आपन अठी आपन मंथ ईयर आपन अठी सिलेक्ट करिबे। डिप्लोमा अठी आपन कर डिप्लोमा आदि आपन कर स्टिपेंडेंट ट्रेनिंग पे अप्लाई करथबे कैटेगरी 1 पे तले आपन कर डिप्लोमा आदि सिलेक्ट करथबे। डिप्लोमा आपन अठी ब्रांच आपन शो करथ आपन से ब्रांच आपन सिलेक्ट करिबे। नेम ऑफ कॉलेज स्कूल नेम ऑफ स्कूल कॉलेज बोर्ड आपन बोर्ड कोन थला कि आपन कॉलेज नेम आपन आ भीतर आपन गोटे एंटर करिबे। एसएटीबीटी ओडिसा कि आपन आउ जा थला आपन बोर्ड आपन मेंशन करिबे। केते मार्क मैक्सिमम आपन केत थला केते मार्क आपन सिक्योर करछन्ती परसेंटेज आपन ऑटोमेटिक काउंट हे आसीबो। ड्यूरेशन आपन केते वर्ष करछन्ती 2 वर्ष ना 3 वर्ष लैटर एंड थप 2 वर्ष आते आपन फ्रेशर करथबे तले आपन 3 वर्ष आपन सिलेक्ट करिबे। ईयर मंथ ऑफ पासिंग मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग केबे आपन पास आउट हेले आपन मंथ ईयर आपन आपनर मंथ ईयर आपन सिलेक्ट करिबे। आपन अदर क्वालिफिकेशन आपन किछि अछि अदर क्वालिफिकेशन आपन दि किछि करछन बीटेक करछन आपन बीटेक भी आपन सिलेक्ट कर परिबे। आपन आउ जा किछि क्वालिफिकेशन करछन सेहि हिसाब आपन आपनर अदर क्वालिफिकेशन आपन भरि परिबे। आपन अदर क्वालिफिकेशन नाही एटा ब्लैंक छाड़िबे। फॉर एग्जामिनेशन सिटी प्रिफरेंस आपन एग्जाम को सेंटर देबे सिटी प्रिफरेंस आपन तीनटा सिटी प्रिफरेंस आपन चूज करिबे। एटा आपन फर्स्ट प्रिफरेंस रे आपन रहिछि कटक रे आपन रहिछि सेंटर कटक आपन चूज करिबे। जे आपन ओडिसा पे अप्लाई करछन कटक आपन रहिछि कटक आपन चीज सिलेक्ट कर परिबे। तापर आपन रहिछि भुवनेश्वर भी रही भुवनेश्वर दे पारे। थर्ड रे थर्ड में आप राउरकेला रही आप एग्जाम सिटी प्रिफरेंस आप तीन टाइप सिलेक्ट करेंगे। तापर आप प्रीव्यू आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू उपर क्लिक कलापर जहाँ जहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म भल रेट आप प्रीव्यू हो भल चेकआउट करेंगे। डिक्लेरेशन रही डिक्लेरेशन आप टिक पढ़ी आप टिक करने कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करने। यदि आप किसी भूल भाल करते एडिट बैक उपर क्लिक कर एडिट करेंगे। यदि आप सब ठीक ठाक भरते फाइनल सबमिशन पर आपन क्लिक करिवे। फाइनल सबमिशन पर क्लिक कला परे आपन गठे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपन शो करिवो। एडवर्टाइज नंबर आपन शो करछि योर एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर आपन आपन एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर को आपन नोट डाउन करी रखनिबे। क्लिक टू होम पर आपन क्लिक करिवे। क्लिक टू होम पर क्लिक कला परे होम पेज आपन आसीबो। एठे आपन लॉगिन आउथरा आपन लॉगिन करिवो लॉगिन पर आपन क्लिक करिवे। क्लिक कला पर आप लॉगिन पेज आप ओपन हो लॉगिन डिटेल्स देखिए यूजर आईडी पासवर्ड आप कैप्चा फिल कर लॉगिन आप करें। लॉगिन करापर आप अकाउंट लॉगिन हो लॉगिन कलापर आप पोस्ट शो कर जो पोस्ट पे आप अप्लाई करते से पोस्ट को आसपे से पोस्ट आप फी पेमेंट आप शो कर एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर नंबर आप जेनेट थे नोट डाउन कर रखने। आप फी पेमेंट शो कर पे फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक कला आपको रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट आप कितना अमाउंट पे करे आप शो करिवो। एठे अपन तो रेट शो कोर्स इफ यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट एंड योर पेमेंट स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग काइंडली वेट फॉर 2 डेज फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन।
जदि आपण पेमेंट करिसेंती पेमेंट स्टेटस आपण पेंडिंग शो करसी आपण को 2 डेज जाय आपण वेट करबे वेरिफिकेशन पे आपण 2 डेज जाय आपण वेट करबे 2 डेज जाय आपण पेमेंट करबे ने एटा आपण पे नाउ शो करसी पे नाउ ऊपर आपण ठी क्लिक करबे पे नाउ ऊपर क्लिक करला परे आपण को एसबीआई ई पे आपण ठी ओपन हि जीवो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई फोन पे गूगल पे आपण को पेटीएम व्हाट्सएप भीम यूपीआई रे वॉलेट एनईएफटी थ्रू रे आपण पे करि परबे जो ऑप्शन आपण सोटर बसी से ऑप्शन आपण ठी क्लिक करेंगे जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप चूज करते कार्ड और डिटेल्स आप भरवे आपड़ी पे ना आप क्लिक करेंगे पे ना उपर क्लिक कलापर आप पेमेंट आप वेरीफाई हे पेमेंट वेरीफाई आप पेमेंट सबमिट हो पेमेंट सबमिट हो आप्लिकेसन फर्म सबमिट हो मेन पेज को रिटर्न कर दिया जाए मेन पेज में आपत पोस्ट अप्लाई करते से मेन पेज में आई पोस्टर सैड में जो अप्लाई नाम आप शो कर अप्लाई पोस्ट आप शो करेंगे आप प्रिंट ऑप्शन आप शो करेंगे से आप्लिकेसन प्रिंट कर रखने जब आप मल्टीपुल पोस्ट अप्लाई करा चाहते मुझे आप फास्ट कही मल्टीपुल पोस्ट भी आप गोटे पोस्ट पेमेंट सरला आउ गए पोस्ट भी आप अप्लाई करेंगे अब आटोमिक रिसर्च सेंटर तरफ जो सब पोस्ट वैकेंसी बाहर था पोस्ट को आप कमी अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बताई सारी जदि आप मन में किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारत यह भिडियो आप भल लगी भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सहित सेयार करूँ चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु धन्यवाद।